हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस एजुकेशन लाइव चैनल में। दोस्तों, आज आप लोग वीडियो में बने रहें काफ़ी अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि आज हम आप लोग के लिए लाए हैं माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचरण। विचरण को बोलते हैं दोस्तों प्रसार या प्रसरण, विचरण गुणांक। दोस्तों, हम लोग एक ही वीडियो में इन सभी को समझेंगे दोस्तों। और ये जो प्रश्न है दोस्तों, SSC, RRB, एयरफोर्स, इन्हें भी आदि परीक्षाओं में दोस्तों आया करते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहें। दोस्तों, दिया हुआ है 20.20, 18.20, 22.20, 22.18। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग माध निकालेंगे, उसके बाद माधिका, उसके बाद बहुलक, उसके बाद परिसर, उसके बाद आपको निकालेंगे मानक विचरण, उसके बाद विचरण, उसके बाद दोस्तों विचरण गुणांक। दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहें, आप लोगों को काफी लाभ होने वाला है। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम लोग माध निकालते हैं। मित्रों, माध बराबर होता है कुल योग के बटे में कुल संख्या, अर्थात इसे लिख सकते हैं दोस्तों योग अपॉन यन। यन बोले तो संख्या, और योग का मतलब दोस्तों जोड़। इस प्रकार से दोस्तों माध निकालना है तो लिखेंगे हम लोग 20 plus 18 plus 20 plus 22 plus 22 plus 18 upon 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अर्थात नीचे हो जाएगा आपका 9। दोस्तों, ऊपर की संख्याओं को हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इसका रिजल्ट आएगा दोस्तों 180 अपन हो जाएगा 9। दोस्तों, इसे हम लोग काटेंगे, भाग देंगे 9 × 18, अर्थात आपका माध आ चुका है 20। आइए दोस्तों हम लोग माधिका निकालते हैं। मित्रों, माधिका निकालने के लिए आपको सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजाना होगा। दोस्तों, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है दोस्तों घटते क्रम। तो आइए हम लोग बढ़ते क्रम में सजाते हैं। सबसे छोटा अंक दोस्तों कौन है? 18। उसके बाद पुनः है 18। उसके बाद 18 के बाद बड़ा अंक दोस्तों 20 है, फिर 20 है दोस्तों, फिर 20 है दोस्तों, एक बार और 20 है दोस्तों, और लास्ट में 20 है दोस्तों। उसके बाद उससे बड़ा 20 से बड़ा 22 है, फिर 22 है दोस्तों। इस प्रकार से अब हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दोस्तों, 9 संख्याएं, 4 इधर लेते हैं, 4 इधर लेते हैं, आपका माधिका आ गया 20। दोस्तों, उसके बाद हम लोग को निकालना है बहुलक, क्योंकि हम माध्य माधिका निकाल चुके हैं। उसके बाद दोस्तों क्या निकालना है? बहुलक। तो आइए हम लोग बहुलक निकालते हैं। बहुलक का मतलब होता है दोस्तों बार बार आना, अर्थात संख्याओं में उनकी गिनती करने पर संख्याएं अधिक आती हैं, अर्थात बहुलक का मतलब अधिक बार आना। तो सबसे अधिक बार कौन आया है दोस्तों? आप बोलेंगे 20, तो आपका बहुलक क्या हो गया? 20। उसके बाद दोस्तों आपको निकालना है परिसर। तो परिसर बराबर दोस्तों होता है, सूत्र नोट कीजिएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। दोस्तों, उच्च सीमा को बोल सकते हैं हम लोग बड़ी संख्या, निम्न सीमा को बोल सकते हैं छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या का मान हो जाएगा आपका 22, और इसमें छोटी संख्या का मान
18। दोस्तों इसमें से माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट बचेगा 4। इस प्रकार से आपका परिसर क्या आ गया दोस्तों, 4। दोस्तों आपका माध्य हुआ माध्यिका, उसके बाद बहुलक, उसके बाद परिसर। मित्रों अब आप लोग को मानक विचरण सिखाना है, विचरण या प्रसार या प्रसरण, उसके बाद दोस्तों विचरण गुणांक। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए मित्रों हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग मानक विचरण निकालते हैं दोस्तों। मित्रों इसे हम लोग मिटा देंगे। मानक विचरण निकालने के लिए आपको एक शर्त ध्यान रखना है दोस्तों। मानक विचरण निकालने के लिए सबसे पहले आपको माध्य निकालना है, उसके बाद ही मानक विचरण निकल पाएगा। दोस्तों लिखेंगे हम लोग मानक विचलन। दोस्तों यहां से हम लोग रूट कर देंगे और दोस्तों जो माध्य निकाले हैं उसी का सहारा लेकर इन संख्याओं में से घटाएंगे बारी बारी से, उसके बाद वर्ग करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे और जितनी संख्याएं रहेंगी उसके बटे में लिख देंगे और उसे हल कर देंगे, वही हमारा आ जाएगा मानक विचलन। दोस्तों 20 में से 20 गया, 20 में से 20 घटा, क्या बचेगा दोस्तों 0 का स्क्वायर प्लस, फिर 20 में से 20 गया दोस्तों घटेगा तो आपका 0 का स्क्वायर प्लस, 20 में से 18 घटा 2 का स्क्वायर प्लस, फिर 20 में से 20 घटा दोस्तों आपका आएगा 0 का स्क्वायर प्लस, 20 में से 20 पुनः घटा दोस्तों तो आपका आएगा 0 का स्क्वायर प्लस, फिर 20 में से 22 घटा आपका रिजल्ट बचेगा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, फिर 20 में से 20 घटा दोस्तों 0 का स्क्वायर प्लस, 20 में से 22 घटा माइनस 2 का स्क्वायर प्लस, 20 में से 18 घटा 2 का स्क्वायर, और कितनी संख्या है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अर्थात 9 इसके नीचे हो जाएगा। दोस्तों 0 का वर्ग 0 होगा, 0 0 0 0 0 खत्म हो गया। दोस्तों यहां देखिए 2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, देखिए माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो लिख सकते हैं माइनस 2 गुणे माइनस 2 अर्थात इसका रिजल्ट बनेगा 4 प्लस में, तो 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4 8, फिर 2 का वर्ग दोस्तों 4 4 8 4 12 और 2 का वर्ग 16 अर्थात आपका आ जाएगा 16/9 यानी 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। इस प्रकार से आपका मानक विचरण निकल चुका है दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर समझिए दोस्तों 20 जो माध्य मानक विचरण निकालेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग माध्य निकालते हैं। माध्य निकलने के बाद हम लोग उसी का सहारा लेकर, माध्य का सहारा लेकर सभी संख्याओं में से घटाएंगे और घटाने के बाद वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद प्लस करेंगे दोस्तों और जितनी संख्याएं रहेंगी उन्हें हम लोग नीचे लिखेंगे। और याद रहे दोस्तों मानक विचरण निकालते समय जो आगे का मान है वह करनी में ही रहेगा। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं। इस प्रकार से आप सभी माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर और मानक विचरण भी निकालना सीख गए दोस्तों। आइए हम लोग सीखते हैं विचरण को बोल सकते हैं प्रसार या प्रसरण निकालना सीखें। मित्रों विचरण या प्रसार या प्रसरण दोस्तों इसका सूत्र होता है विचलन का स्क्वायर अर्थात मानक विचलन का स्क्वायर। दोस्तों मानक विचलन का मान हम निकाले हैं 4/3 का हो जाएगा स्क्वायर। मित्रों 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। इस प्रकार से आपका निकल चुका है विचरण या प्रसार या प्रसरण। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और प्राप्त करते हैं विचरण गुणांक कैसे बनता है। दोस्तों यहां बनाते हैं विचरण गुणांक का सूत्र होता है दोस्तों
मानक विचलन बटे में माध्य। और दोस्तों होता है क्या आगे, गुणे होता है 100%। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, विचलन गुणांक यदि बोलता है तो उसका मान हमेशा प्रतिशत में ही आएगा। दोस्तों आइए इसे हल करते हैं। मानक विचलन का मान आ चुका है आपका 16/9 गुणे आपका 100 सूत्र में है दोस्तों, प्रतिशत लगा देंगे, और माध्य का मान आपका 20 आया था। दोस्तों इसे हल करते हैं, 16 में 100 गुणा कीजिएगा 1600/9/20, दोस्तों ये प्रतिशत में रहेगा। इसे हल कीजिएगा, 1600/9 गुणे 1/20 हो जाएगा दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा दोस्तों, यहां से कटेगा 2 8 16 अर्थात हो जाएगा आपका 80। इस प्रकार से आपका रिजल्ट आ जाएगा, 80 में गुणा कीजिए 1 का 80/9 और मानक विचलन में प्रतिशत लगाना है दोस्तों। मित्रों आशा करते हैं कि विचलन गुणांक भी आप लोगों को आ चुका है। दोस्तों हम यही उम्मीद रखेंगे आप लोग एक ही वीडियो में माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, मानक विचरण, विचरण या प्रसार या प्रसरण या विचरण गुणांक सीख पाए दोस्तों। दोस्तों अगली वीडियो में हम लोग इस पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में कैसे सभी जो है कंपिटेटिव एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, उसी प्रश्न को हम लेकर आएंगे दोस्तों। मित्रों आशा करते हैं कि आप सभी को यह प्रश्न सदा याद रहेगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों आप लोग अपने मित्रों को व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा शेयर अवश्य करें यदि आपको पसंद आता है दोस्तों, क्योंकि उनका भी हेल्प करना आपका फर्ज होगा। दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी दोस्तों आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसे हम फिर से हल कर देते हैं दोस्तों। यहां से यहीं पर इसको हल करते हैं, 16 में 100 गुणा कीजिएगा 1600 अपन हो जाएगा 9 अपन हो जाएगा 20 और यहां हम लोग प्रतिशत लगा देंगे दोस्तों। यहां से लिख सकते हैं 1600/9 गुणे 1/20 दोस्तों, 0 से 0 कट जाएगा, 2 8 16 आपका रिजल्ट बचेगा, 80 में गुणा कीजिएगा 80/9 और लास्ट में दोस्तों आपको प्रतिशत लगा देना है, यही आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। मित्रों आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो में बने रहने के दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।